अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एफ के आर्ट्स एंड क्राफ्ट। मैं फौजिया कमल। लास्ट वीडियो में आप लोगों को मैंने ये ब्रिक्स बनाना बताया था और आज इसकी मैं अरेंजमेंट बताऊंगी आप लोगों को। ये ब्रिक्स देखें मैंने किस स्टाइल में लगाया है और एक ब्रिक्स आपको दिखाती हूँ मैं, वो मैंने थोड़े से बड़े साइज़ का बनाया है लेकिन मैंने उसकी वीडियो नहीं बना पाई और इसकी वजह यह है कि जो आपको शिप नज़र आ रही है ये मैंने 5 मिनट्स क्राफ्ट से लिया था, तो मैं कॉपी की हुई चीज़ आप लोगों को नहीं दिखा सकती, नहीं सिखा सकती क्योंकि मैंने खुद कॉपी की है। तो ये देखिए थोड़े से बड़े साइज़ के ब्रिक्स हैं और ये मैंने एक हाउस का लुक दिया है, फैमिली, हैप्पी फैमिली का, जिसमें फ्लावर्स है पूरे हाउस में। आपके पास कोई भी आइडिया हो आप इस ब्रिक्स के साथ बना सकती हैं, लेकिन आज हम ये सिखाएंगे आपको छोटे छोटे फ्लावर्स, क्योंकि बहुत ईजी है ये बनाना। तो चले आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वॉल पे हम इटालियन डोर के फ्लावर्स अरेंज करेंगे, लीव्स और फ्लावर्स। तो जिस तरह से लास्ट वीडियो में मैंने ये दिखाया था आपको, बैक साइड पे मैंने हार्ट शीट और एक लगाया ताकि हमारा ये जो हमने वॉल बनाए है वो मज़बूत रहे। तो हमें रेड कलर का डो चाहिए और ग्रीन में देखें दो शेड है, एक ग्रीन के साथ तो मैंने येलो कॉम्बिनेशन किया है क्योंकि इससे हम लीव्स बनाएंगे और बाकी के हम स्टेम्स बनाएंगे। और ये पेट्रोलियम जेली है, जैसे कि इटालियन डो में ज़रूरी है। वाइट ग्लू है, कुछ टूल्स हैं अगर इसके अलावा आपके पास कुछ और नहीं है तो ये जैसे नेल आर्ट के टूल्स होते हैं मोस्टली घर में होते हैं लड़कियों के लिए, या टूथपिक। और ये कटर है, मैं आपको हाथ से भी बताऊंगी किस तरह से लीव्स बनाते हैं, और अगर आपके पास ये कटर है तो उससे ही बना सकते हैं। और ये टूथपिक भी चाहिए इम्प्रेशन देने के लिए, या फिर इम्प्रेशन आपके पास अगर है लीव्स का तो वो भी यूज़ कर सकती हैं आप। सबसे पहले मैं देखें लीव्स बना लेते हैं क्योंकि हमें बहुत सारे लीव्स चाहिए। तो ये देखें पहले हम ड्रॉप बनाते हैं, 2-3 किस्म के मैं आपको बताऊंगी लीव्स बनाना, जो कि बहुत पहली वीडियो में बता चुकी हूँ, दोबारा बता देती हूँ कि पहले ड्रॉप बनाना है, फिर हाथ से इसको थिन करना है अपनी फिंगर की हेल्प से, और फिर इस तरह से हमें थोड़ा सा लंबा करना है। जितना हमारे इटालियन डो के फ्लावर्स थिन होंगे इतनी ही इसमें नेचुरलिटी आएगी, नेचुरल लुक होगा। और टूथपिक से हम इसमें इम्प्रेशन दे देंगे, ये टूथपिक से इम्प्रेशन देते हैं हम। अगर टूथपिक नहीं हो तो फिर आप इम्प्रेशन जो आता है आप वो भी इम्प्रेशन दे सकते हैं, वही बताऊंगी। अब मैं आपको कटर से बताऊंगी, वो तो हमने ड्रॉप्स के साथ लीव्स बनाए थे, ये हम कटर के साथ बना रहे हैं। पहले हम अच्छे से थिन करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि जो भी हम चाहे फ्लावर्स बनाएं, लीव बनाएं, लेकिन इटालियन डो के फ्लावर्स अगर बनाते हैं तो जितना थिन होगा हमारी चीज़ इतनी खूबसूरत होगी। ये देखिए एक मैंने लीव्स लिया है और उसकी मैं कटिंग कर रही हूँ, लेकिन हाथ से हम ज़रूर इसको थिन करेंगे। ये देखिए 3 मैं कट कर लेती हूँ और फिर इस पर हम टूथपिक से इम्प्रेशन दे देते हैं, और मैं हाथ से थोड़ा सा बड़ा भी कर रही हूँ उसको और टूथपिक से इम्प्रेशन दे रही हूँ। ये नेचुरल है, अपने हाथ से खुद बना सकते हैं या फिर आप इम्प्रेशन से भी आप लिप्स इम्प्रेशन डाल सकती हैं। तो हमें बहुत सारे लिप्स तैयार हैं। लीव्स तैयार कर लिए हैं क्योंकि ये मैं साथ साथ बनाते जाऊंगी और अरेंज करते जाऊंगी। मोस्टली मैंने आप लोगों को ये सिखाया है कि हम पहले फ्लावर को ड्राई कर लेते हैं फिर हम अरेंजमेंट करते हैं, लेकिन आज मैं आपको साथ साथ बनाते भी जाऊंगी और दिखाती भी जाऊंगी कि किस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं। अब हम क्या बनाएंगे, अब हम तना बनाएंगे जिसे स्टेम कहते हैं, फिर इसके ब्रांचेस बनाएंगे और ब्रांचेस के बनाने के साथ साथ ये लीव्स को अटैच करते जाएंगे। दो फिंगर हम छोड़ के बनाएंगे बॉटम पार्ट से क्योंकि हम यहाँ स्टैंड करेंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा वो ज़मीन के साथ या जहाँ भी कहीं हम इसको स्टैंड करें वहाँ टच हो। हमने देखे सबसे पहले तो हम ग्लू लगाने से पहले देख लेते हैं कि हमें कहाँ सेट करना है, उसके बाद फिर हम ग्लू लगाते हैं और फिर अपने स्टेम को हम अटैच कर देंगे यानी स्टिक कर देंगे। हमने सेट किया कि हमें कहाँ ये ब्रांचेस को सेट करना है, उसके बाद फिर हम ग्लू लगाएंगे। और जिस तरह से देख सकते हैं कि मैंने 2 फिंगर बॉटम पार्ट से छोड़ के फिर लगा रही हूँ ग्लू, और ग्लू हमें थोड़ा सा ज़्यादा लगाना है क्योंकि हम ये हार्ड शीट के ऊपर, फिर हमने ये ब्रिक्स बनाए उसके ऊपर हम ये अपने डो के आइटम को अटैच कर रहे हैं, तो ज़रा मज़बूती से होना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि ड्राई होने के बाद निकल जाए। और मैंने ये स्टेम का जो पार्ट लिया है, पीस लिया है, वो थोड़ा सा देखें आप थिक लिया है, थिन नहीं लिया
है, ठीक लिया है, क्योंकि इसी थिक पे ही हम अपने लीव्स को अटैच करेंगे। उसके बाद हमने छोटे छोटे रेड कलर के फ्लावर्स बनाएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है, क्योंकि हमने तो अपनी सारी मेहनत इस ब्रिक्स बनाने में लगा दी है। इसलिए अरेंजमेंट के तौर पे हम बहुत ही इजी फ्लावर्स को हमने चूज़ किया, ताकि हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। ये देखिए, 3 ब्रांचेस मैं बना रही हूँ। अगर आप इससे बड़ा हार्ट शीट लेंगे तो फिर जाहिर बात है आपको ब्रांचेस और ज़्यादा बड़ा ज़्यादा बनाना पड़ेगा। मैं सिर्फ ये 3 ब्रांचेस बना रही हूँ और इसी पे ही अपने लीव्स को मैं अटैच करूँगी, और साथ साथ मैं फ्लावर्स को देखिए मैं कितना ग्लू लगा रही हूँ। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि हमें ज़्यादा ग्लू में ये अटैच करना है, क्योंकि मैंने जो ये स्टेम बना रही हूँ ये थिक है, थिन नहीं है। अगर थिन होता तो ज़रा आप कम ग्लू लगाते हैं, और हाथ से थोड़ा सा मैं प्रेस कर दूँगी। प्रेस करने के बाद थोड़ा सा स्टैम्प का मैं लुक दूंगी, चाहे आप टूथपिक से दे दें या फिर कोई आपके पास टूल हो उससे दे दें। अब हम क्या करेंगे, हम लीव्स को अटैच करेंगे। 3-3 का पार्ट मैं लगाऊंगी, और बैक साइड पे हम लीव्स के बैक साइड पे हम ग्लू लगाएंगे, और साथ साथ हम ये लीव्स को अटैच करते जाएंगे। देखें जिस तरह से आप देख सकती कि पहले मैं 3 लगाऊंगी, फिर थोड़े थोड़े फासले पे इस स्टैम्प को, पूरे स्टैम्प को हम कवर करेंगे इसी लीव्स के साथ। देखिए हमने पूरे हार्ट शीट पे लीव्स को अटैच कर लिया है वाइट ग्लू के साथ, और 3-3 का हमने सेट बनाया है। अब हमें रेड फ्लावर्स बनाने हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। कैलियन डो के देखिए, पहले हमने एक लंबा स्ट्रिप्स लिया और छोटे छोटे हमें बॉल सिर्फ राउंड करके हमें पहले रख देना है, क्योंकि हमें बहुत सारे चाहिए, जितने चाहे आप मर्जी इसको लगा सकती हैं। अब हमें सेंटर से सिर्फ हमें पिक करना है, किस तरह से, आप जिस तरह देख सकते हैं कि मेरे पास टूल है। अगर आपके पास टूल नहीं है तो आप टूथपिक से भी कर सकती हैं। हल्का सा बस हमें होल चाहिए सेंटर में, पहले बॉल बनाना है छोटे छोटे, उसके बाद हमें सेंटर से होल करना है, और इसको इसी तरह से अरेंज करते चले जाएंगे। हमने 3-3 का सेट बनाया है लीव्स, और इसी लीव्स के ऊपर हमें 4 या 5 आप लगाते चले जाएं। जितने आप ज़्यादा लगाएंगे बहुत खूबसूरत लगेंगे, क्योंकि लीव्स तो हमारे बड़े हैं, और लीव्स के ऊपर हम ये छोटे छोटे बॉल फ्लावर्स हम लगाते चले जाएंगे। कलर्स के भी आप येलो कॉम्बिनेशन के साथ भी बना सकती हैं, मैंने सिर्फ रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन रखा है। आप चाहे तो येलो के साथ और दूसरे पिंक के साथ, बहुत सारे कलर्स के साथ भी बना सकती हैं। जैसे मैंने आप लोगों को आज ब्रिक्स बताया था लास्ट वीडियो में, आज मैंने इस ब्रिक्स जो हमने हार्ट शीट पे एक ईंटों का हमने इफेक्ट दिया, उसमें आज हम ये डो वर्क कर रहे हैं लीव्स, और छोटे बॉल को बीच में होल करने के साथ छोटा सा हमें होल करना है। बार बार कह देती हूँ कि अगर आपके पास टूल नहीं है तो आप टूथपिक से कर सकते हैं, या फिर जो हमारे ब्रशेस होते हैं उसके बैक साइड से भी आप कर सकते हैं, या फिर पेंसिल की नोक से। छोटे फ्लावर्स के साथ देखें हमने ब्रिक्स वॉल को तैयार कर लिया है, और स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को कुछ आइडियाज़ भी दिए थे कि आप कोई भी तरीके से इस ब्रिक्स को अरेंज कर सकती हैं, चाहे बड़े साइज़ में चाहे छोटे साइज़ में, और भी बहुत कुछ बताऊंगी, और उसके साथ इटालियन डो के फ्लावर्स, फ्रूट, बहुत कुछ हम अरेंज करेंगे कमिंग वीडियो में। मैग्नेट, फ्रिज मैग्नेट भी बताऊंगी कि हम इटालियन डो के साथ फ्रिज पर मैग्नेट कैसे लगा सकते हैं, और भी बहुत कुछ है। तो इसलिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो वीडियो को ज़रूर देखा करें, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर तो बहुत है लेकिन मेरे व्यूज़ बहुत कम आते हैं। तो भाई क्या बात है, मेरे सब्सक्राइबर से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो लोग ज़रूर मेरी वीडियो को देखा करें, लाइक किया करें और शेयर किया करें। और आप कुछ भी सीखना चाहती हैं तो वो मैं ज़रूर आप लोगों को सिखाऊंगी। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।